हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज ईद मिलादुल नबी का दिन है और ईद मिलादुल नबी का जुलूस बड़े ही जश्न के साथ जो है मुंब्रा शहर में निकाला जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के वजह से जो है जिस तरह से हर त्यौहार पर इसका असर पड़ा है, उसी तरह से जश्न ईद मिलादुल नबी पर भी इसका असर देखने को मिला। सरकार की तरफ से जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के अनुसार जो है सिर्फ 10 लोगों की जो परमिशन दी गई थी जुलूस निकालने के लिए, उसी 10 लोगों के साथ में ये जुलूस निकाला गया है। हालांकि हर साल जो है इसी सड़क पर जो है मुंब्रा शहर में जुलूस निकाला जाता था और काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन इस साल जो है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के वजह से जो है जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हुई थी उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी असर पड़ा। और सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरु सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब के क़यादत में जो है सिर्फ 10 लोगों के साथ में इस जुलूस को निकाला गया। हालांकि जिस तरह से हर साल जुलूस निकलता था, उस वक्त जो है हजरत सैयद मोइनुद्दीन साहब का जो है हर जगह पर जो है उनका सत्कार किया जाता था, लेकिन इस साल जो है कहीं ना कहीं उनका सत्कार नहीं किया गया। इस पर भी जो है कोरोना वायरस का जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसके हिसाब से लोगों ने पालन किया और ईद जश्न ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस निकाला गया, सिर्फ 10 लोग जो है इसमें शामिल हुए। और मुंब्रा रेलवे स्टेशन बॉम्बे कॉलोनी से शुरू होकर मुंब्रा रेलवे स्टेशन, मुंब्रा पुलिस स्टेशन होते हुए ये जुलूस जो है दरगाह पर जो है दुआ के साथ जाकर खत्म हुआ है। और इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु हजरत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने क्या कुछ कहा है, शहर के लोगों से अपील की है, और साथ ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने भी मुंब्रा वासियों के लिए क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। ये जुलूस जीवन बाग से बरामद होते हुए मुंबई कॉलोनी अशरफ नगर में मुनज्जम होते हुए बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह करम में फातिहा खानी के बाद इस जुलूस का इख्तिताम हो गया। क्या था इंतजाम और क्या गाइडलाइन दी गई? जो गाइडलाइन थी हम लोगों ने गाइडलाइन को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जश्न विलादत रसूल ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करके बनाने पे जोर दिया गया। और कोई भीड़ भाड़ या कोई किस किस्म की कोई वाकया पेश आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से जुलूस ए मिलादुन नबी निकाला गया और हजरत फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार पाक पर आके इख्तिताम पजीर हो गया जुलूस। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी, पहले इजाजत नहीं मिली थी तो कैसे ये मामला हल हुआ? नहीं, ये हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से, उस गाइडलाइन के जारी होने के बाद हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र में इजाजत मिल गई। कितने लोगों की इजाजत? 10 लोगों की इजाजत। आप कुछ कहना चाहेंगे और शहर के लोगों को खासतौर पर? हम तमाम मुमरा के लोगों से ये अपील करते हैं कि जश्न विलादत रसूल इस साल ही नहीं बल्कि हर साल ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करके, फलाही कामों को करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए। किस किस्म की चैरिटी होनी चाहिए? देखिए, चैरिटी हजारों किस्म की है, खास तौर पर वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके पास उनकी फीस का इंतजाम नहीं है, ऐसे बच्चों की फीस अदा करके आप जश्न विलादत रसूल मना सकते हैं। अस्पतालों में जाकर ज़रूरतमंद हजरात को दवाएं दे के जश्न विलादत रसूल मना सकते हैं आप। इज्तिमाइयां शादी करा के, समूह लगन करा के जश्न विलादत रसूल आप मना सकते हैं। राशन तकसीम करके गुरबा और मसाकीन में जश्न विलादत रसूल आप मना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फलाही काम हैं, चैरिटी के काम हैं, जिन्हें करके हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में बेहतरीन खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। बड़े जुलूस को सिक्योरिटी की पुलिस के बारे में क्या कहते हैं? हम थाना पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मुमरा के सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के आला इंतजाम रखे, उसके लिए हम तमाम मुमरा कौसा की आवाम की तरफ से उन हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। जुलूस पुलिस की गाइडलाइन जो दी गई थी वैसे निकला, तो कैसा रहा जुलूस और क्या किसी पे केस बना और कहां से कहां तक खत्म? बहुत ही अच्छा जुलूस निकला ईद मिलाद के। मेरे पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज
धर्मगुरु मोमिन मियाँ साहब ने हमको जो ये किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे जुलूस निकालेंगे एक गाड़ी लेके, तो उस हिसाब से आज जुलूस बॉम्बे कॉलोनी से लेकर निकल के जामा मस्जिद, वहाँ से रेलवे स्टेशन, वापस अमृत नगर दरगाह तक पहुँच गया। 25 मिनट में पूरा जुलूस ख़त्म हुआ है और एक ही गाड़ी निकली, बस इसमें ख़त्म कर दिया उन्होंने। किस तरीके के इंतजाम थे? पुलिस बंदोबस्त कैसा रहा? हमारे 13 ऑफिसर्स और 120 कर्मचारी हमारे पूरे लगाए थे, एसआरपी के 2 सेक्शन हमारे लगाए थे और माननीय डीसीपी साहब और एसीपी साहब दोनों भी यहाँ बंदोबस्त के लिए आए थे। स्थानीय लोगों के कोऑपरेट के संदर्भ में क्या कहें? बहुत ही अच्छा कोऑपरेट दिया स्थानीय लोगों ने हमको, बिल्कुल ये मिलाद का जश्न है वो जो बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया उन्होंने, और कोरोना की वजह से उन्होंने अपने अपने घर में या अपने अपने गली में उन्होंने मनाया, ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की। किसी को नोटिस वगैरह देने को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो कोई कारण ही नहीं। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे त्यौहार मनाएं।